यदि इंटरमीडिएट वाले विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा 2023 में अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो मात्र 2-3 दिन 4 दिन के अंदर में आप इस तरीके से तैयारी करके 450 प्लस नंबर उठा सकते हैं बाबू। हाँ, अब सोचोगे सर ये कैसे संभव है। संभव है बाबू, मेरे बताए गए तरीकों को आप फॉलो करके देखिए। ग्रांटेड ठोकर बोलते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा और बहुत बेटर हो जाएगा। देखिए बाबू, सबसे पहली बात समझिए, अब आपके एग्जाम नजदीक है, आप किसी भी बोर्ड से है तो भैया हर बोर्ड का भी एग्जाम नजदीक है, तो हर बोर्ड का जो इंटरमीडिएट का विद्यार्थी है वो इस तरीका को अप्लाई करे, देखिए उनका रिजल्ट कितना अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना बाबू कि अगर एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है तो कुछ नहीं करना है, आपको पीवाईक्यू लेना है। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब होता है जो पुराने एग्जाम वाले क्वेश्चन पेपर, उसको ले लीजिए। यानी क्वेश्चन बैंक अगर आप किताब खरीद लेंगे, क्वेश्चन बैंक की गाइड आता है ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे तो उसमें कम से कम 10-15 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया रहता है ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके सारे ऑब्जेक्टिव, उनके सारे 2 नंबर वाले, उनके सारे 5 नंबर वाले, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आपके ऑब्जेक्टिव द्विगु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, जितना भी प्रश्न दिया है उसको सबको रिमेंबर कर जाना है, समझ लेना है, उसको याद कर लेना है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इस पर सर्चिंग किया, 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो लगभग 10-15 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिला है तो सब टच कर गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन पेपर तैयार होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 10-15 साल पुराने क्वेश्चन पेपर के बीच बीच में से क्वेश्चन उठाकर ही तैयार होते हैं। तो पहला काम आपको करना है 2-3 दिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखो 2-3 दिन ही पढ़ना है बाबू, बस बढ़िया से हार्ड वर्क करना है। पहला काम आपको यही करना है कि 2-3 दिन के अंदर में आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चार्ट जाना है। अगर पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, पूरे का मतलब 10-15 साल पुराने, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, उसको पूरा चार्ट जाते हैं, उसको पूरा रिमेंबर कर लेते हैं, समझ लेते हैं ना, तो यही जैसे 80-90% आपका रिजल्ट एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये काम जरूर कर लीजिएगा। और दूसर का कौन काम करना वो देखिए। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न का आप रिविजन कर लीजिएगा। मान लीजिए भाई एग्जाम का तैयारी कर रहे तो कुछ ना कुछ तैयारी तो किए होंगे, जरूर 100% कुछ ना कुछ किए होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप छाटे हैं, ऑब्जेक्टिव है या लघु उत्तरीय है, उनका इंपॉर्टेंट छांट कर रिवीजन करिए। अगर नहीं है तो किसी टीचर से मदद लीजिए, किसी टीचर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय, इंपॉर्टेंट 2 नंबरिया लेकर उसका 2-3 दिन बने से रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। मुझे लगता है कि अगर 2-3 दिन अगर 10-12 घंटे रोज पढ़ लेते हैं, मात्र इन सबका इन्हीं दोनों चीजों को आप रिवीजन कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो रिजल्ट आपका एकदम 450 प्लस क्रॉस नहीं किया तो मेरे चैनल को आकर अनसब्सक्राइब करके हट जाएगा। क्योंकि बहुत थिंकिंग और सर्चिंग के बाद ये 2 तरीका आपको बता रहा हूं, और इंटर वाले विद्यार्थी 100% हमको गारंटी दे रहे हैं बाबू, अगर इस तरीका को अप्लाई कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट मक्खन बल्ले बल्ले 450 प्लस क्रॉस कर जाएंगे मात्र 2-3 दिन 4 दिन के अंदर में तैयारी करके। तो इस तरीका को जितना ज्यादा हो सकेगा सही बच्चे अप्लाई करें, और सही बच्चे तभी अप्लाई करेंगे जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, मेरी आवाज को भारत के हर कोने तक फैलाएगा, हर बोर्ड के बच्चे इस तरीका को अप्लाई करिए और देखिए आपका रिजल्ट किस तरह से बेटर हो जाता है। जय हिंद।